नमस्ते सस्रियाकाल, सलामुलाइकुम दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। अगर दोस्त आप हाँ हमारे चैनल में नया आए हैं तो हमको पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दुबई के जॉब्स के बारे में, दुबई की टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में, दुबई का रेस्टोरेंट्स, दुबई में किस तरह से जीते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग, तौर तरीके, लाइफस्टाइल के बारे में हमने हमारे चैनल में बहुत सारे ढेर सारे वीडियो बना के रखे जो आपके लिए संपूर्ण आइडिया देगा। तो जल्दी जल्दी पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीडीपी के बारे में। दोस्तों, आप सब लोगों ने कभी ना कभी न्यूज़पेपर में, मीडिया में, वेबसाइट में, व्हाट्सअप मैसेज में, चारों तरफ सुनते हैं कि जीडीपी कम हो गया, 2.5 हो गया इंडिया का, 6.5 हो गया, पिछले साल से जीडीपी बहुत कम ग्रोथ हुआ, यूएसए का जीडीपी सबसे हाई हो गया, यूके का जीडीपी सबसे मीडियम हो गया। तो ये जीडीपी है क्या दोस्तों? जीडीपी के बारे में आज थोड़ा सा हम शुद्ध हिंदी में, मतलब सिंपल लेमैन लैंग्वेज में जीडीपी को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, जीडीपी के बारे में बातचीत करेंगे। दोस्तों, तो जीडीपी इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। दोबारा रिपीट करता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, मतलब ये जीडीपी कोई भी कंट्री का जो उसका मैप रहता है, मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिया का जो जियोग्राफिकल जो जगह है, ये जियोग्राफिकल जगह में इंडिया का या पाकिस्तान का या बांग्लादेश का या नेपाल का या भूटान का या मैं अभी दुबई में रह रहा हूँ यूएई का, जो मैप है, जो उसका कंट्री का जो जगह है, उस जगह में जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विस मैन्युफैक्चर होता है, अगर ईयरली वो मैन्युफैक्चर वो प्रोडक्ट्स का या सर्विस का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या सर्विसिंग कॉस्ट सब कुछ अगर हिसाब किताब करके एक ग्रॉस फिगर, एक टोटल फिगर एक बनाया जाए, उसको जीडीपी कहा जाता है। दोस्तों, सपोज मान लीजिए ये गाड़ी, आप गाड़ी खरीदते टाटा का, तो टाटा का गाड़ी अगर कोई खरीदता है तो दैट जीडीपी, वो पैसा जो है इंडिया का जीडीपी के हिसाब से जाना जाता है। अगर आप फिरारी खरीदते हैं तो इंडिया का जीडीपी के हिसाब से वो मापा नहीं जाएगा, क्योंकि आपने फेरारी खरीदा है, फेरारी मैन्युफैक्चर होता है इटली में, आपने लैम्बोर्गिनी खरीदा है, जो लैम्बोर्गिनी मैन्युफैक्चर होता है जर्मनी में, कभी कभी चाइना में मैन्युफैक्चर होता है। तो एक प्रोडक्ट जो कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। दोस्तों, ठीक है, समझ में आया? और एक एग्जाम्पल देखिए, आपको समझाता हूँ। किसी ये सनग्लास ले लीजिए, ये एक रेबैन का सनग्लास है या कोई भी दूसरा ब्रांड का सनग्लास जो है, सपोज ये यूके में, लंदन में एक कोई भी फैक्ट्री में, रेबेन का फैक्ट्री में ये सनग्लास मैन्युफैक्चर हुआ है, और आपने फिर ये सनग्लास एक्सपोर्ट होके आया है आपके पास, पाकिस्तान में आया है, आपने पाकिस्तान का कोई रिटेलर शॉप में, शॉपिंग मॉल में जाके ये सनग्लास खरीदा है, तो ये सनग्लास मैन्युफैक्चर हुआ है कहाँ पे? मैं जर्मनी में मैन्युफैक्चर हुआ, आपने खरीदा पाकिस्तान में, तो इसका जो पैसा है, ये पैसा इवेल्युएशन होगा जर्मनी का जीडीपी में, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चर जर्मनी में हुआ है। तो उसी हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट्स हम जो सुपरमार्केट्स पे अगर जाते हैं, चिप्स, राइस, चावल, शैम्पू, बॉडी स्प्रे, तो और कुछ भी चीज़ जो आप खरीदते हैं, खरीदने के लायक है, रिटेल स्टोर में है, वो अगर कोई कंट्री में मैन्युफैक्चर होता है तो वो जब बेचा जाता है, वो पैसा उस साल के लिए उस कमोडिटी के हिसाब से वो कंट्री का जीडीपी का माना जाता है। दोस्तों, सपोज रियल एस्टेट की सबसे मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ, कोई किसी ने कोई पुराने गाड़ी खरीदे, पुराने बारी खरीदे, पुराने घर खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, तो वो जीडीपी के हिसाब से उसको मापा नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर कोई नया अपार्टमेंट खरीदते हैं, नया विल्ला खरीदते हैं, नया कॉन्डो खरीदते हैं, तो वो जीडीपी की ग्रोथ के हिसाब से उसको माना जाएगा। दोस्तों, ठीक है, चलिए थोड़ा और एग्जाम्पल आपको देता हूँ, तो थोड़ा सा और बातचीत करके उसको और क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल ये है दोस्तों, आप सुबह उठे हैं, सुबह उठने के बाद सब लोग क्या करते हैं, सब लोग वॉशरूम पे जाते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो जो टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं, कोई कोई जो है फैमिली स्टेटस या लाइफ स्टाइल के हिसाब से कोई पेप्सोडेंट यूज़ करते हैं, कोई कोलगेट यूज़ करते हैं, या कोई कोई सेंसोडाइन यूज़ करता है। तो आप डेली बेसिस सुबह से लेके ब्रेकफास्ट, लंच, शाम को वाइफ को लेके आप सुपर मार्केट जाते हैं, सुपर मार्केट जाने के बाद आप जो पूरा हफ्ते का जो ग्रोसरी है वो खरीदते हैं, उसमें क्या क्या कमोडिटीज़ रहता है, उसमें आपका ब्रेकफास्ट के लिए कॉर्नफ्लेक्स रहता है, जो भी है, चिकन, मटन, जैसे मैंने शुरू वीडियो के शुरू में बोला है, आप जो जो कमोडिटीज़ यूज़ करते हैं उसके पीछे जो है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंट्री लिखा रहता है, मेड इन चाइना, मेड इन पेरिस, मेड इन इटली, ये जर्मनी का प्रोडक्ट है, ये लंदन का प्रोडक्ट है, इंडिया का प्रोडक्ट्स है। तो जो जो कंट्री का प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं एक सुपर मार्केट पर, रिटेल शॉप में, फिर शाम को शॉपिंग करने के बाद आप जाते हैं मूवी देखने, मूवी कोई अगर बॉलीवुड मूवी देखते हैं तो सीधा वो पैसा जो इंडिया के खाते में आता है, अगर आप जाके कोई हॉलीवुड मूवी देखते हैं सीधा वो पैसा उड़ के हॉलीवुड तक
चले जाता है दोस्तों। ये सिंपल लॉजिक अभी समझ में आ रहा है। कुछ भी डेली बेसिस प्रोडक्ट्स आप जब एज ए मिडिल क्लास फैमिली वी आर द यूज़र, क्योंकि हम यूज़ करते हैं, हम कम्युनिटी यूज़ करते हैं, तो हम जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं वो प्रोडक्ट जो है जिस कंट्री से मैन्युफैक्चर हुआ है दोस्तों, उस कंट्री का जीडीपी में वो हिसाब किया जाता है दोस्तों। अभी ग्रॉस जीडीपी की जो वर्ड है ना, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, ये ग्रॉस वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको खुलासा करता हूँ। सपोज मान लीजिए इंडिया में जितना भी पूरा साल भर जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ होता है, वो टूथब्रश से लेके, पेन से लेके, सनग्लास से लेके, आपका गाड़ी से लेके, रियल एस्टेट, बिल्डिंग, घर, मूवीज़, बॉलीवुड में इतना सारा मूवीज़ बनता है, 200 के 300 के ऊपर मूवीज़ बनता है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी है, पूरा इंडिया का जितना भी प्रोडक्ट्स या सर्विस, वो सबको पूरा आप इकट्ठा कर लिया, पूरा जितने भी सर्विस है, मूवीज़ हो, जितने भी प्रोडक्ट्स है, कमोडिटीज है, सबको इकट्ठा करके टैक्स इवेल्युएशन करके, ये जो इवेल्युएशन चीज़ है जीडीपी का जो फिगर है वो किस तरह से निकाला जाता है, उसके लिए हमने एक और एक वीडियो बनाया है, नीचे का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ये ऊपर का सजेशन ट्यूब्स में आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा हिसाब करके जो फिगर आता है वो फिगर मेंटेन करता है कि वो कंट्री कितना स्पीड से ग्रोथ कर रहा है बिजनेस वाइज, ठीक है दोस्तों। तो कोई अगर आपको बोलता है कि यूएसए का जीडीपी जो है 4.5 इंक्रीज़ किया, तो दैट मीन्स ये जो नंबर आपको बताया जाता है 4.5, 2.5, 3.5, इट्स ए कंपैरेटिव नंबर, पिछले साल या पिछले क्वार्टर के हिसाब से ये नंबर निकला आता है। तो ये जो नंबर है ये सुनने में बहुत छोटा लगता है, 4.5, 2.5, ये कंपैरिजन डिजिट है। इंडिया का जीडीपी 2.5 या 1.5 फॉल किया है, 6.5 ऊपर गया है, तो ये जो नंबर है ये पिछले वाला महीने या पिछले वाला क्वार्टर या पिछले वाला साल के हिसाब से ये नंबर आता है। कंपैरिजन मतलब पिछले साल जो हुआ है, इस साल जो हुआ है, मतलब टोटल मैन्युफैक्चरिंग कितना सेल हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, मार्जिन, वो जो कैलकुलेशन है मैंने बोला, एक और एक वीडियो बनाया वो भी देख लीजिए, वो जो घन चक्कर है वो करने के बाद जो फिगर आता है उसको जीडीपी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ तक मैंने छोटे से टाइम में कोशिश की आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। कैसा लगा आपको, पूरा आइडिया मिला, क्लियर हुआ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और हमारे व्यूअर्स को भी, और भी अगर आप जानकारी देना चाहता है, अगर मैंने कुछ कुछ मिस किया वो लेमेंस टर्म में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हाँ मुसाफिर भाई ये भी चीज़ होता है, ये भी आपको थोड़ा बताना चाहिए था। तो जो भी मिस किया है मैं अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे पूरा उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है, हाँ कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक कर दिया आपने तो दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक मिलता हूँ।